इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। सिवनी में NIA की टीम ने दी दबिश, दो लोगों को लिया हिरासत में। 2021 से संबंधित केस में तीन जगह की छापेमारी, कुछ आपत्तिजनक साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किया गया जब्त। टेंडर फंडिंग का है मामला। सिवनी में उस समय चहल कदमी बढ़ गई है कि सिवनी ने NIA की टीम ने अचानक दबिश दे दी। NIA की टीम और मध्य प्रदेश पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिवनी के विभिन्न तीन जगहों पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं सिवनी SP ने जानकारी दी, पूरा मामला 2021 का दिल्ली में रजिस्टर्ड मामला है, जिसके जाँच के तहत NIA की टीम आज सिवनी पहुँची और भगत सिंह वार्ड और शहीद वार्ड में छापेमारी की। जानकारी के अनुसार पूरा मामला टेंडर फंडिंग का है, जिसके चलते मध्य प्रदेश पुलिस और NIA की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। वहीं दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इनके नाम शोएब खान और अजीज शमसी हैं। इंडियन टीवी न्यूज से वाहिद खान की रिपोर्ट। आज सिवनी में कुछ लोगों के निवास पर, जिसके बारे में सूचना थी, कुछ संदिग्ध और अवैध गतिविधियों की, तो NIA की एक टीम द्वारा और मध्य प्रदेश पुलिस की टीम द्वारा एक ज्वाइंट उनके यहाँ तलाशी ली गई। ये तलाशी तीन लोगों के यहाँ ली गई है। जो तलाशी ली गई है वो अब्दुल अजीज सल्फी, शोएब खान और अकरम के निवास की तलाशी ली गई। इनकी तलाशी में कुछ हार्ड ड्रिस्क, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ ऑब्जेक्शनेबल साहित्य प्राप्त हुआ है। उसकी जब्ती विधिवत जब्ती बना करके NIA की टीम द्वारा उनके घर वालों को सुपुर्द की गई है। दो व्यक्ति इसमें से अब्दुल अजीज सल्फी और शोएब को पूछताछ के लिए उनके साथ टीम के साथ गए। सर, किस मामले में पूछताछ? इस बारे में जो इनिशियली जानकारी हमको NIA की टीम द्वारा प्रदाय की गई है, 46/2021 एक केस दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उस संबंध में पूछताछ इन लोगों से की जा रही है। कितने समय से संबंध इस तरीके थे, ये इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और कौन कौन संलग्न हो सकते हैं? कैमरा बंद कर दे। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।